अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वी को इस घर से जाने के लिए कि दादी ने कहा था, दादी ने रूही को ये तक कहा था कि अगर उसने वापस आने की कोशिश की तो रूही उनका मरा हुआ मुंह देखेगी। मेरी पोती को घर वापस लाने के लिए मना कर रहे थे ना, अब देखती हूँ खुद कैसे घर में रहेगी। इस बुढ़िया का तो वृद्धाश्रम जाना तय है। आप नहार जी, प्लीज नहार जी, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं, अभी कुछ मत कीजिए प्लीज। सुमित्रा जी, भजन कीर्तन करने की उम्र में आप ये सब कर रही हैं? जरा अपनी उम्र का तो ख्याल कर लिया होता। घर जोड़ने के बजाय आप तोड़ने के काम कर रही हैं। वाह, क्या कमाल की रीत है। एक तरफ तो अपने दामाद को घर जमाई बना के लेकर आए हैं और दूसरी तरफ अपने बेटों का ही घर बसने नहीं दे रहे। और सोनी जी, नाहर तो सोतेला है, आप उसके साथ ऐसा कुछ करती हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन आप अपने सगे बेटे का भी घर उजाड़ रही हैं। वाह, क्या बात है। आप लोग प्लीज कुछ भी सोचे बिना ऐसे कुछ भी मत कहिए। हालात गलत हो सकते हैं लेकिन इंसान नहीं, और मेरा परिवार बहुत अच्छा है। देखो कितनी संस्कारी बहू है आपकी, ये आप जैसी कुछ औरतों की वजह से ना सारी सासें बदनाम होती हैं। मम्मी देखो तो जरा, खुश तो ऐसे हो रही जैसे खुद बड़ी अच्छी सास हो। इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है मेरी जिंदगी खराब करने में। दोनों एक जैसी है, राम मिलाई जोड़ी। देखिए आप सभी लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, ये हमारे परिवार का निजी मामला है तो कृपा करके आप लोग इसमें दखल मत दीजिए। हाँ तो हमें कौन सा तमाशा देखने में दिलचस्पी है। चलो भाइयों, ये बड़े लोगों के बड़े चोचले हैं, चलिए चलो। हाँ चलो। क्यों दादी, क्यों किया आपने ऐसा? रूही को यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा आपने? ना बेटा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। ये इन तीनों दादी पोतियों की साजिश है मुझे बदनाम करने के लिए। तुम याद करो ना, तुमने चिट्ठी देखी थी ना, रूही ने लिखी है वो, और अगर मैंने उसे अपनी कसम दी होती तो वो वापस क्यों आती? बस करिए दादी, कितना झूठ बोलेंगी आप, कि आप भी जानती है कि आपने ही वो चिट्ठी रूही से लिखवाई थी। देखो इसे कैसे जबान लड़ा रही है। नहर, तुम तो मेरा भरोसा कर लो ना, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। हाँ दादी, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन एक शर्त पर दादी, अगर यही बात आप अपने भगवान पर हाथ रख कर कह देंगे तो मैं मान लूंगा। एक मिनट दादी। ये लीजिए दादी, लाइए अपना हाथ, लाइए। इस पे अपना हाथ रखिए और कहिए आपने रूही को यहां से जाने के लिए नहीं कहा था। कहिए कि आपने उसे कसम नहीं दी थी। बोलिए दादी।
अब बताइए दादी, कैसे करूं मैं आप पर भरोसा? अब तो सारा सच सारा झूठ सामने है दादी। दादी याद है बचपन में आप ही ने हमें रामायण का पाठ पढ़ाया था, भाइयों के प्यार के बारे में समझाया हमें, रिश्तों की अहमियत के बारे में समझाया, और हमेशा कैकेयी को गलत बोला आपने कि वो बहुत बुरी थी। क्यों? क्योंकि उसने घर तोड़ा था दादी, और आज आपने खुद कैकेयी वाली हरकत की है दादी। आपने अरे घर के बहू को वनवास भेज दिया। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? रतन जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? आप लोगों ने जूही को घर से निकाला, मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था कि हमारी जूही ना समझे, शायद उसे से कोई गलती हुई होगी, और इसलिए मैंने कभी भी उसे आपको वापस बुलाने के लिए दबाव नहीं बनाया। लेकिन हमारी रूही वो तो कितनी समझदार है, सहनशील है, और आपने उस बेचारे को घर से बाहर निकाल लिया, क्यों? हे भगवान, मैंने सारा तमाशा जूही के लिए किया था, लेकिन इनको अभी भी जूही से ज्यादा रूही की पड़ी है। यकीन मानिए नरेश जी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था रतन जी। आप करें, लेकिन भगवान न करे आपकी बेटी के साथ भी अगर ऐसा बर्ताव हुआ होता तो आप क्या करते रतन जी, बताइए। माना कि हमारी बच्चियों के माता पिता नहीं, लेकिन वे अनाथ नहीं है, उनके दादा दादी अभी तक जिंदा है। दादू प्लीज शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ बेटा, अब तक शांति था बेटा, शांति था। बेटी के मायके वालों को हर हालात से समझौता करके शांत रहना पड़ता है, लेकिन आज नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों किया आपने हमारी बच्ची के साथ? बताइए बहन जी, क्यों किया, क्यों उसे घर से निकाल दिया? दादू, दादू प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। बेटा, तूने अपनी माँ को सारी अच्छाइयाँ सीख तो ली, लेकिन साथ साथ एक गलत चीज भी सीख ली तूने उससे, खुद को तकलीफ देकर दूसरों को सुखी करना। बेटा, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि धर्म को बचाने के लिए, सच को बचाने के लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ो। क्यों सहती रही बेटा, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितना तू समझती है। तुम जितना झुकोगी, जितना सहोगी, उतना ही तुम्हें ज्यादा तड़पाएगी। क्यों सहा तुमने? एक बार तो अपने दादू को बोल दी, मैं खुद यहां पे आके तुझे लेके जाऊं। पता नहीं कहां कहां दर दर भटकती रही, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। बेटा, आज अगर तेरे मां बाप जिंदा होते तो तुमको बताती ना, तुम अपने दादू को पराया करती। नहीं दादू, ये प्रतीक के पापा भी ना, पहले इन्हें बस रुचिता नजर आती थी, और अब ये रूही, जूही की तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन बस बहुत हुआ, अब तू नहीं सही, तू आज के आज अभी कर मेरे साथ चलेगी। मैं तो यहाँ जूही को वापस ससुराल भेजने की तैयारी कर रही थी,
और ये उल्टा रूही को ही मेरे सिर पर बैठा रहे हैं। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।